नमस्कार दोस्तों, एक बार हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, नपुंसकता रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं इसके सेवन करने से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नपुंसकता मिटाने वाला सबसे सरल आसान आयुर्वेदिक दवा बताऊंगा। हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए दोस्तों, ये है बेल और इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बहुत सारा आयुर्वेदिक लाभ बता चुका हूँ। तो मित्रों, जो बेल होते ना, भगवान शंकर जी को खास करके बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। भगवान शंकर जी को खासकर हम इसके पत्ते चढ़ाते हैं, पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बता चुका हूँ। और बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने, बड़े बड़े आयुर्वेदिकी विशेषज्ञों ने, यहाँ तक कि दोस्तों सुश्रुत संहिता, चरक संहिता में भी बेल का वर्णन मिलते हैं। और बड़े बड़े हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ है उसमें भी बेल का वर्णन मिलते हैं। बेल जो होते हैं नपुंसकता मिटाने का सबसे अच्छा सरल घरेलू उपचार है। इसके साथ ही बहुत सारे बीमारी को भी ठीक करते हैं। आज की स्टूडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। जितने भी जानकारी बताता हूँ किसी पेन कॉपी में नोट करके रख ले करें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी बाद में काम आती है। तो अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी आप सभी मित्रों को फ्री में बताए जाते हैं। हम काफी मेहनत करें, हमारे भारत भूमि से आयुर्वेद की जानकारी समाप्त हो रहे हैं, हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की जानकारी भारत भूमि से समाप्त न हो और आप सभी मित्रों को आयुर्वेद की जानकारी हो, आप भी आयुर्वेद को सीखे, क्योंकि हमारे भारत भूमि आयुर्वेद के जननी है। हम चाहते हैं कि आयुर्वेद की जानकारी हमेशा हमारे भारत भूमि में बनी रहे। तो कठिन हम परिश्रम कर रहे हैं, तो हमारे भारत माता के लिए और हमारे मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी शब्द जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। दोस्तों ये पहला फायदा इसके मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा नपुंसकता को कैसे मिटाते हैं। पहला फायदा इस प्रकार से है, ये पीलिया की बीमारी को ठीक करता है। दोस्तों जी हाँ, 10 से 30 मिलीलीटर बेल के कोमल पत्ते के रस में आधा ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर के सुबह शाम सेवन करने से पीलिया के रोग में काफी लाभ मिलता है। नियमित रूप से प्रयोग करने से पीलिया की बीमारी ठीक हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग इसी का बताता हूँ, पीलिया के लिए बेल के पत्ते के रस में काली मिर्च का चूर्ण डाल करके पीने से भी पीलिया के रोग शांत हो जाते हैं। पेट में पानी भर के, जिसे जलोदर बोलते हैं, तो 25 से लेकर के 50 मिलीलीटर ताजे बेल के पत्ते के रस में 1 से 1.5 ग्राम छोटी पिपली चूर्ण मिला करके रोगी को पिला देने से जलोदर यानी कि पेट में पानी का भर जाना ये ठीक हो जाते हैं। पेशाब करते समय कष्ट हो रहे हैं, पेशाब अधिक आते हैं, बहुमूत्र हैं, तो 10 ग्राम बेल की गिरी में 5 ग्राम सोड को और जो जौ कूट आता है इसे मिला करके 400 मिलीलीटर पानी में कहा जाए तो अष्टमांश काढ़े को शुद्ध करके सुबह शाम सेवन करने से बार बार पेशाब आना बंद हो जाते हैं। कमजोरी भी दूर करने के लिए बेल की गिरी के चूर्ण को मिश्री मिले हुए दूध के साथ सेवन करने से खून की कमी, शारीरिक दुर्बलता है, वीर्य की कमजोरी है या दूर हो जाते हैं। धातु बढ़ाने के लिए भी 3 ग्राम बेल के पत्तों के चूर्ण में थोड़ा शहद मिला करके सुबह शाम चाटने से धातु बढ़ते हैं, या बेल के जो गुदे होते हैं इसे पीस करके इसे हो सके तो धूप में सुखा करके पीस ले, पाउडर बना ले और 1 चम्मच की मात्रा में दूध में मिला करके सेवन करने से यह वीर्य को बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं नपुंसकता दूर करने के लिए किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 20 मिलीलीटर बेल के पत्ते का रस निकाल करके उसमें 5 ग्राम सफेद जीरा का चूर्ण मिला करके रोजाना 10 ग्राम मिश्री के चूर्ण के साथ खाने से उसके ऊपर से थोड़ा सा आपको दूध पी लेना है तो नपुंसकता की कमजोरी दूर हो जाती है। या बेल के पत्ते का रस लेकर के उसमें थोड़ा सा शहद मिला ले और इसे शीश यानी कि लिंग पर 40 दिनों तक लेप करने से नपुंसकता रोग दूर हो जाते हैं, लिंग पर तनाव आ जाते हैं। तो आशा करता हूं मित्रों, बेल से मिलने वाले जो आयुर्वेदिक फायदा बताए हूं ये सब आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।